श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज उत्तम आजरव धर्म पर बोले में तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के रिद्धि सिद्धि भवन में पर्युषण पर्व की आराधना करने आया हूँ। पर्युषण पर्व अर्थात जैन धर्म की एक पहचान है, आत्मा की शुद्धि का वचन है, आत्मा और संस्कृति को याद दिलाने वाला ही पर्युषण पर्व है। उन्होंने कहा, विभाव क्रोध का प्रतीक तो स्वभाव क्षमा का प्रतीक है, क्षमा आत्मा का ही स्वभाव है। उन्होंने रिद्धि सिद्धि भवन में मौजूद सभी को आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व धर्म धुरंधर महाराज के स्वागत के लिए यूनिवर्सिटी ने मुख्य द्वार से रिद्धि सिद्धि भवन तक पलक पावड़े बिछा दिए। दिव्य घोष की मधुर ध्वनि और जयकारों से कैंपस गूंज उठा। महाराज जी की अगवानी में कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी बीना जैन, जीवीसी मनीष जैन और उनकी धर्म पत्नी ऋचा जैन की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। जिनाले में कुलाधिपति सुरेश जैन और जीवीसी मनीष जैन ने जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वरी जी महाराज का पाद प्रदक्षिण किया। अंत में गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। फर्स्ट लेडी बीना जैन ने मंगलाचरण महाराज श्री की उपस्थिति में अपने मुखविंदर से प्रस्तुत किया। महाराज के संग आए सभी शाबक शाबिकाओं को श्री फल देकर सम्मानित किया। महाराज श्री तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के संत भवन में विराजमान हैं। पर्युषण पर्व जैन धर्म की आत्मा है और कहना चाहता हूं, एकमात्र आत्म साधना का एक प्रयोग पर्व हमारा पर्युषण है। फिर से कहना चाहता हूं, पर्युषण पर्व एक प्रकार से हमारी आत्मा की शुद्धि का एक प्रयोग पर्युषण पर्व है। पर्युषण शब्द ही सूचित करता है कि ये दिन कैसे होंगे। पर्युषण शब्द का एक अर्थ होता है परिपूषण, परिपूषण चारों तरफ से जलाना 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 आत्मा के प्रदेश प्रदेश में, आत्मा के असंख्याता प्रदेश हैं, उन असंख्याता प्रदेश में जितने भी कर्म हैं उनको जलाने की साधना प्रमुख रूप से पर्युषण पर्वों के दिनों में की जाती है, इसलिए इसका नाम पर्युषण।